नमस्कार किसान भाइयों, मैं विनोद शर्मा केवल सी मार्केटिंग से। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्याज लग चुके हैं और यदि हम प्याज में स्टार्टिंग से कोम्बो किट का इस्तेमाल करते हैं तो उसे कई प्रकार की समस्याओं से बचा सकते हैं। तो हमारे प्याज में कोम्बो किट का इस्तेमाल करें और बेहतरीन से बेहतरीन उत्पादन लें। आज मैं एक किसान भाई से मिलने आया हूँ गाँव पिपलिया बाजार में, जिन्होंने अपनी लहसुन में भी कोम्बो किट का इस्तेमाल किया था और प्याज में किया है। तो उनसे हम अपन जानते हैं कि उन्हें क्या आखिर कोम्बो किट से कोई फायदा मिला है। नमस्कार भाई साहब। मेरा नाम है श्याम सिंह नाम है मेरा, पिपलिया बाजार का रहने वाला हूँ। मैंने लहसुन में भी कोम्बो का ये प्रयोग किया है और प्याज में भी किया है, अच्छा रिजल्ट मिला है और फायदेमंद भी है। आप भी किसानों से सबसे निवेदन है कि प्याज में और लहसुन में डालें तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो कितने दिन की थी जब लाए थे आप कोम्बो की? ये अपने महीने भर की हो गई थी जब डाला लहसुन में, और प्याज में तो हमने 10-15 दिन के प्याज हुए थे। मतलब कहना का आप प्याज में भी ला चुके हैं और डाल भी। मतलब आप फायदा भी अच्छा, मतलब लहसुन में अच्छा फायदा मिला उसके कारण आप प्याज में लेके? हाँ, इसके लिए हम प्याज में लेके आए। तो अन्य किसानों को कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? कुछ नहीं, ये बोलना चाहते हैं कि साहब वो भी इस कोम्बो का प्रयोग करें और ये फायदेमंद है। तो देखा किसान भाइयों, हमारे श्याम जी ने कोम्बो किट का इस्तेमाल किया था जो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। उनको लहसुन में अच्छा रिजल्ट मिला उसके कारण वो प्याज में भी लेके आए और प्याज में भी उन्होंने कोम्बो किट का इस्तेमाल किया। तो आप भी अपने प्याज में कोम्बो किट को डालें और अच्छे से अच्छा उत्पादन लें। धन्यवाद।